बता दें हरियाणा के कैथल में अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के विवादास्पद बोल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर काफी अभद्र टिप्पणी की है। खबर आपको बता दें, हरियाणा के कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से हेमा मालिनी को लेकर विवादास्पद बयान जो है तरफ से सामने आया है। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। राजीव गांधी ने 1984 में इलाहाबाद सीट पर अमिताभ को टिकट देकर सबको चौंका दिया था। ये वो वक्त था जब गांधी की हत्या हुई थी। कांग्रेस इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि देश लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नामांकन से 24 घंटे पहले ऐलान किया था कि इलाहाबाद से अमिताभ। राजीव गांधी के इस चौंकाने वाले ऐलान ने इलाहाबाद सीट पर पूरा माहौल ही बदल दिया था, क्योंकि 38 साल पहले कांग्रेस इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था और अमिताभ ने भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। नामांकन के अगले ही दिन उन्होंने रोड शो किया था और कहते हैं कि रोड शो के दौरान गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने अपने दुपट्टे सड़क पर बिछा दिए थे और अमिताभ बच्चन के लिए अपना समर्थन दिखाया था, क्योंकि ये वो वक्त था जब अमिताभ सुपरस्टार थे, लोग उनके दीवाने हुआ करते थे। कहते हैं कि अमिताभ के रोड शो में उनके भाई अजिताभ और जया बच्चन भी थी। सबकी निगाहें केवल अमिताभ पर टिकी थी। तब के अखबारों में लिखा गया था कि अमिताभ की दीवानगी ऐसी थी कि उनके शो के दौरान लोग उन्हें छूने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ते थे। कहते हैं कि अमिताभ की एक झलक पाने के लिए ही सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी और ऐसा केवल पहले रोड शो में ही नहीं हुआ बल्कि इलाहाबाद की सड़कों पर जब जब अमिताभ का काफिला निकला था लोगों में जबरदस्त दीवानगी नजर आई थी। लेकिन इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने उतरे अमिताभ के विरोधी कहते थे कि भीड़ केवल देखने इकट्ठा हुई थी, क्योंकि वो सुपरस्टार और लोगों में उनका जबरदस्त क्रेज था। 1984 के उस लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन का सामना लोक दल के प्रत्याशी हेमवती नंदन बहुगुणा से था और हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश की राजनीति के पुराने खिलाड़ी माने जाते थे और अमिताभ का सामना राजनीति के उस दुर्लभ खिलाड़ी से था। उन्हें हेमवती नंदन बहुगुणा के तीखे हमलों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ तीखी कैंपेनिंग की थी। तब के पत्रकार बताते हैं कि अमिताभ की रैलियों से पहले उन्होंने उनके खिलाफ पोस्टर लगवा दिए थे और उन पोस्टरों पर लिखा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। यही नहीं, अपनी रैलियों में उन्होंने अमिताभ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां तक। हेमवती नंदन बहुगुणा के चुनाव प्रचार के लिए अमिताभ के खिलाफ कई तरह के नारे भी बनाए गए थे जो उनकी रैलियों में गूंजा करते थे और उन नारों में एक था, सरल नहीं संसद आना, मारो ठुमकाओ गाना। तब के अखबारों में लिखा गया था कि ये नारा हेमवती नंदन बहुगुणा की रैलियों में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और नारे की भी खूब चर्चा और वो नारा था, दम नहीं पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में। हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे और इलाहाबाद में उन्हें हराना मुश्किल माना जाता था और इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था, इलाहाबाद का चंदन हेमवती नंदन। यानी हेमवती नंदन ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ नारों को अपना हथियार बनाया था और अमिताभ बच्चन के खिलाफ आक्रामक चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने लोगों के सामने इलाहाबाद में किए गए कामों का हवाला दिया था। कहते हैं कि ये बातें इलाहाबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के कानों तक भी पहुंची थी। और सूत्रों के बारे से बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से 6 साल के लिए बर्खास्त किए जाने के बाद संजय निरुपम सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि वो किस पार्टी में शामिल होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है, मगर सूत्रों का यही दावा है कि निरुपम शिवसेना यानी कि शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है जिसकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। तो कांग्रेस से निकाले जाने के बाद संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से राहुल गांधी के साथ अपनी प्रोफाइल फोटो हटा ली है और बायो भी बदल दिया है। तो देखिए, जानकारी यही मिल पा रही है कि संजय निरुपम शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। आज सुबह 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नाराजगी जो है वो कई दिनों से जाहिर भी कर रहे हैं और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपना बायो भी चेंज कर लिया है। तो बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी मुंबई की लोकसभा सीट से टिकट ना मिलने से संजय निरुपम लगातार नाराज चल रहे थे और उन्होंने ये बात जग जाहिर भी की थी, लेकिन तमाम गतिविधियों की वजह से उन्हें कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अब वहां से शिवसेना उद्धव अपना उम्मीदवार उतारने के बाद संजय निरुपम ने खुलकर बागी तेवर
दिखाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। ग्राफिकली समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब सूत्र कर रहे हैं कि शिवसेना के शिंदे गुट का दामन वो थाम सकते हैं, आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जानकारी भी मिल पा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से उन पर ही एक्शन लिया गया है और टिकट ना मिलने की तीस है वो लगातार सामने आ रही है। महाकोश कच्ची घाटी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बिहार जेल से 181 दिन के बाद रिहा हुए आम आदमी पार्टी संजय सिंह जेल से बाहर निकलते ही बोले, किसी से डरने वाले नहीं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संजय निरुपम को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में निरुपम के शामिल होने के आरोप लगाए। मथुरा लोकसभा सीट से आज नामांकन करेंगे माननीय सीएम योगी, भी रहेंगे मौजूद। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे योगी। बीजेपी कार्यकर्ता चुनावी सभा को सफल बनाने इंतजामों में जुटे। कोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में पिछले साल गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। बीती रात जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उन्हें घेर लिया, जैसे संजय सिंह को कार्यकर्ताओं से रहने की अपील करनी पड़ी। जेल से निकलकर संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी से मुलाकात की। वहां से वो पार्टी दफ्तर गए जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और बीजेपी पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने दो टूक कह दिया कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जल्द बाहर निकलेंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जश्न पर सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह जो है बेल पर बाहर आ चुके हैं, कुछ शर्तों के साथ उन्हें बेल मिली है, लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी मनीष सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। संजय सिंह की तरफ से साफ तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि हम डरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे। हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। सशर्त शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। ऐसे में संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम आवास पर मुलाकात की है। संजय सिंह ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट की मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हो गए। वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने सिसोदिया की पत्नी के पैर छुए और जेल में बंद मनीष सिसोदिया के बारे में बातचीत की। तो संजय सिंह के जेल से छूटने पर उनकी पत्नी ने खुशी तो जताई, मगर ये भी साफ किया कि जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन रिहा नहीं होते हैं, तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन, 6 महीने बाद घर पहुंचे हैं, आपने ये पूरा 6 महीने का क्या फर्क देखते हैं तब में और अब में?
नहीं, छह महीने में जैसे संजय जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था, लेकिन जैसे वो बाहर आए, वो बड़े भाई जो अरविंद जी है, जो पूरा दायित्व उन्होंने हम लोग के लिए संभाला था, तो पहले हम सुनीता से मिले, फिर इसके बाद वो पार्टी ऑफिस गए, जो कार्यकर्ता निराश थे उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया उन्होंने, जिनका भाषण सबने सुना और कार्यकर्ताओं के अंदर खूब ऊर्जा हुई। फिर हम सीमा भाभी से मिलने गए, उनका भी हाल चाल लिए, और इसके बाद हम अपने घर पे आए। घर पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जो कि एक उम्मीद जगी है कि हमारे एक बहुत बड़े मतलब एक लीडर आ गया है जो कि हम लोग को गाइड कर सके। अब किस तरह से छः महीने बाद आए हैं, तो किस तरह से उनका आप स्वागत करेंगे, क्योंकि परिवार में सब लोग हैं, एक लंबा टाइम जेल में उन्होंने बिताया। नहीं, स्वागत नहीं, बस एक जैसे अभी स्वागत का समय नहीं है, और जब तक हमारे तीन भाई हैं अभी जेल में हैं, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जी, जब तक वो बात बाहर नहीं आते तो कोई मतलब स्वागत नहीं, कोई पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और संजय सिंह के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाने की